तो आज की मूवी के अंदर वो होने वाला है जो आप सभी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं चाहते हो, और आप भी सोचोगे कि यार मुझको भी ये मिल जाए और मेरी किस्मत का दरवाजा भी खुल जाए। खूब करो इंजॉय, दिन हो चाहे रात। आप ज्यादा सस्पेंस में आपको नहीं डालूंगा, डायरेक्ट करूंगा मूवी स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक कपल के बीच संस्कारी प्रोग्राम चल रहा होता है, और इस सीन को दिखाने के पीछे मेरा हाथ नहीं है। मूवी स्टार्ट ही यहाँ से हुई। लड़की का नाम होता है एलिस और लड़के का नाम होता है जॉन। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं। देखो, ये लोग दूसरे से काफी प्यार करते हैं, पर इनके पास एक चीज की कमी है, वो है पैसा। दोनों खूब मेहनत करते हैं अपनी वर्किंग लाइफ में भी और बिस्तर पर भी, पर पैसों की कमी की वजह से ये लोग अपने अच्छे संस्कार नहीं छोड़ते। ये लोग काफी अच्छे से बातचीत करते हैं, खुश रहते हैं। और जब जॉन अपने ऑफिस जाता है तभी उसका बॉस आकर जॉन में उंगली तभी उसका बॉस आकर जॉन को टोकने लगता है कि अब ऐसे नहीं ऐसे करते, ऐसे नहीं वैसे करते। अब जॉन को गुस्सा तो काफी आती है कि इस बॉस का बुरादा बना दूं, पर वो अपने आप पे कंट्रोल करता है। अब एक तरफ जॉन जो होता है थोड़ा चंपू टाइप का, चंपू नहीं मतलब सीधा इंसान, चंपू तो हम लोग हैं जो कि हर चीज में शिकायत करते, और दूसरी तरफ एलिस जिसने 3 साल लगाकर अपनी मास्टर की डिग्री पूरी करी और वो आई है आज अपनी ड्रीम जॉब के लिए, और उसको लगता है कि उसको बड़ी आसानी से मिल जाएगी क्योंकि उसके पास तो डिग्री है। पर उसको क्या मालूम कि डिग्री सिर्फ डिग्री के नाम पे ठेला खोलने के काम आती। और ऐसा ही होता है यहाँ पर। ये लोग कहते हैं देखो तुम्हारे ऐसे बहुत आते और उनके पास काफी एक्सपीरियंस भी है, तो हम लोग तुम्हें जॉब नहीं देने वाले, बाय बाय। पर अहले तलाश में है उसकी ड्रीम जॉब के लिए कि तभी यहाँ पर एक लड़का उसके दरवाजे पे दस्तक देता है। इस लड़के का नाम होता है अरनी। अरनी होता है उन्हीं लड़कों में से जिनको कोई अपने घर नहीं बुलाता, और यहाँ पर वो हर बार मुंह उठा के आता क्योंकि उसको एलिस पसंद, और एलिस उसको इसलिए झेलती है क्योंकि वो उसके मकान मालिक का लड़का है और उसके साथ कॉलेज में भी पढ़ा, क्योंकि उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कहाँ एलिस जैसी हॉट सी नारी उसे प्यारा लग गया जॉन भिखारी। और जब जॉन वहाँ पर आता है तब अरनी उसके मजे लेता है, पर जॉन अरनी को इग्नोर करता क्योंकि उसको मालूम था कि अरनी उसका थोबड़ा सुझा देगा अगर वो ज्यादा उससे तू तू मैं करेगा। तो जॉन यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और चुपचाप अंदर आ जाता है। और आज ये लोग बिना तैयार हुए एक पार्टी में जाते हैं। ये पार्टी दी होती है उनके दोस्त ने जो कि काफी रईस है, और आज उसके एंगेजमेंट है। तो ये लोग यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि उनको यहाँ पर फ्री का खाना और फ्री की बियर मिल जाएगी। और जॉन से उसके अमीर दोस्त बात नहीं करते, जॉन से बात करते हैं उसी के लेवल के करीब दोस्त। अब एलिस की दोस्त का नाम होता है लुइस, और लुइस का हस्बैंड होता है चक जो कि जॉन का भी बेस्ट फ्रेंड होता है। अब जिस लड़की ने पार्टी दी उसका नाम होता है पेटॉन। ये लोग पेटॉन की बेइज्जती करते हैं क्योंकि उसके जितना अमीर तो बन नहीं सकते। और जब ये लोग वहां से वापस लौटते हैं तब रास्ते में एक गाड़ी से भिड़ते भिड़ते ये लोग बच जाते हैं कि तभी एलिस को यहाँ पर एक बूढ़ी औरत दिखती है जो कि एक टी पॉट को काफी संभाल के ले जाती है, और एलिस को वो टी पॉट काफी पसंद आता है, और वो काफी रफ्तार में उस बूढ़ी औरत के शॉप के अंदर चली जाती है, और वो देखती है कि उस बूढ़ी औरत ने उस टी पॉट को अलग से रखा, और उसको समझ में नहीं आता कि आखिर इस टी पॉट के अंदर क्या है। और जब जॉन वहाँ पर आता है तभी वहाँ पर उस बूढ़ी औरत के शॉप में एक फोन बजता है, और जैसे ही वो बूढ़ी औरत उस फोन को रिसीव करने के लिए जाती है एलिस को पता नहीं क्या होता है, वो वहाँ से वो टी पॉट लेकर जॉन से कहती है चलो यहाँ से चलें, और जॉन कहता है तुमने आखिर ये क्यों चुराया, ये तो गलत बात है। पर एलिस कहती है अपने उसूल की बना बत्ती और आगे हमारी ऑडियंस समझ जाएगी, और एलिस हर जगह पर उस टी पॉट को अपने साथ रखती है। और जब अगले दिन जॉन अपने ऑफिस जाता है तब उसके ऑफिस के कलीग उससे कहती है कि हमारे बॉस का चक्कर किसी और के साथ चल रहा, और जिसके साथ बॉस का चक्कर चल रहा वो भी खड़े होकर पेशाब करता, यानी कि उसके बॉस का चक्कर एक मेल के साथ चल रहा। और ये बात बॉस की बीवी को नहीं मालूम, और ये कलीग जॉन को वो फोटो दे देती है जहाँ पर बॉस एक दूसरे आदमी के साथ प्यार के मोमेंट बना रहे होते हैं, और दूसरी तरफ एलिस जो कि अपने बाल स्ट्रेट कर रही होती है कि तभी उसके माथे पर हीट लगती है और उसको थोड़ा बहुत दर्द होता है कि तभी इस टी पॉट से आवाज आती है, और एलिस सोचती है कि आखिर यहाँ से आवाज क्यों आई। और वो जैसी उस टी पॉट को खोलती है वो क्या देखती है कि उस टी पॉट के अंदर पैसा आ गया, और वो तो एकदम सदमे में आ जाती कि यार ये क्या बवाल है, और वो फिर से अपने आप को दर्द पहुंचाती और फिर से आ जाता। और बस यहाँ पर एलिस की खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो समझ जाती है जितनी मैं दूंगी अपने आप को चोट उतने ज्यादा आएंगे नोट, और वो इन नोटों को पाने के लिए और वो अपने आप को मार मार के बन जाती है यहाँ पर लखपति। और दूसरी तरफ उसके पति की जॉब हटी, उसका बॉस कहता है कि देखो तुम्हारा काम में ध्यान नहीं लगता तो अपनी तशरीफ अब यहाँ पर कभी मत लाना, और जॉन बेचारा सीधा इंसान वो कहता है ठीक है, और वो दुखी अवस्था में अपने घर जाता है, और वो अपने घर की हालत देखकर और दुखी हो जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर एलिस घायल अवस्था में पड़ी हुई है, और उसको काफी चिंता होती है कि मेरी बीवी के साथ ये क्या हो गया, पर उसको क्या मालूम कि उसकी बीवी को लॉटरी मिल चुकी है। और अपने पति को यह बात बताती है
तब जॉन कहता है कि तुमने फिर से फूंक लिया। तब एलिस बोलती है अरे मैंने नहीं फूंका, और वो उसको यकीन दिलाने के लिए एक रैप्टा देती है और इस टीपॉट के अंदर पैसा आ जाता है और जॉन को यकीन हो जाता है। पर जॉन था भाई साहब एकदम अच्छा इंसान, तो वो कहता है यार देखो ये जिसका टीपॉट है हम उसको वापस दे देंगे। पर एलिस कहां मानने वाली, पर जॉन भी कम नहीं था। वो अगले दिन उठकर उस टीपॉट को लेकर अपने एक दोस्त के पास आता है जो कि पुराने चीजों को बेचने में हेल्प करता है। वो कहता है कि मुझको ये टीपॉट बेचना है, क्या तुम इसका ऐड कर दोगे? ये टीपॉट काफी पुराना है, मैं इसको सिर्फ $5,000 में बेच दूंगा। और इसी टीवी के प्रोग्राम को एक चाइनीज आदमी देख रहा होता है। इस चाइनीज आदमी का नाम जो होता है वो मैं कह सुनूं यार इस मूवी के अंदर, इन महाशय का नाम होता है मिस्टर लिंग। और इस खबर को सुनने के बाद मिस्टर लिंग खड़ा हो जाता है। अरे यार ये सुनने में कितना अजीब लग रहा, तो मिस्टर लिंग यहाँ से उठ जाते, ये भी सुनने में गलत लग रहा। तो मिस्टर लिंग एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाते, ये भी गलत सुनाई दे रहा। तो मिस्टर लिंग मैप में देखते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या देख रहे हैं। तो देखो मिस्टर लिंग को इस टीपॉट के बारे में सब कुछ मालूम और वो इस टीपॉट को पाना चाहते हैं। क्यों पाना चाहते हैं, वो इस टीपॉट का क्या करेंगे, वो हमको मालूम चलेगा आगे। तो अब जॉन उस टीपॉट को लेकर अपने घर आता है और ये दोनों एक दूसरे को तर्क देना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनको चाहिए था ढेर सारा पैसा। और अब ये दोनों ही अपने आप को हर तरीके से दर्द देते, कहीं बाल खिंचवा कर, कहीं दांत निकलवा कर, मतलब हर तरीके का दर्द बना देगा इनको माला माल। और जब ये लोग लंच करने के लिए अपनी फैमिली के पास जाते हैं तो ये लोग इनको नहीं बताते कि आखिर ये लोग क्या काम कर रहे हैं। ये लोग कुछ ऊट पटांग बताकर बात को टाल देते हैं। ये घर होता है दरअसल एलिस का घर, ये होती है एलिस की माता जी, ये होती हैं दीदी जी और ये होते हैं चीजा जी। और जॉन एलिस की फैमिली को पसंद नहीं करता, खास करके माता जी को, क्योंकि माता जी एलिस और जॉन की शादी के खिलाफ थी। और जब ये दोनों अपने घर आ जाते हैं तब फिर से एक दूसरे को दर्द पहुंचाना शुरू कर देते हैं कि तभी इनके दरवाजे में होती है दस्तक और सूर्यवंशी के सलमान खान के ब्राउन बालों की टाढ़ी बनाकर ये दोनों जॉन से पूछते हैं कि वो टीपॉट कहां पर है। जॉन कहता है कौन सा टीपॉट, और इन दोनों को आ जाती है गुस्सा और ये लोग जॉन को इतना मारते हैं कि जॉन का जनाजा निकल जाता। ये दोनों कहते हैं कि जिसके पास से तूने वो टीपॉट चुराया वो हमारी दादी माँ थी। तो जॉन की बीवी एलिस कहती है कि वो टीपॉट तो हमने बेच दिया, और वो इन दोनों को थोड़े पैसे देकर यहाँ से भगा देती है। और अभी दोनों जानना चाहते हैं कि आखिर ये टीपॉट क्या है, और ये लोग उस टीपॉट के बारे में पढ़ने के लिए एक पुस्तकालय में जाते हैं जहाँ पर उनको टीपॉट से रिलेटेड एक किताब मिलती है। और जैसे ही उस किताब में एक मूवमेंट आता है कि इस टीपॉट के कितने नुकसान हैं, एलिस जॉन का ध्यान भटकाकर उस पेज को फाड़ देती है। अब यानी कि हम लोग समझ सकते हैं कि पैसे की जरूरत एलिस को ज्यादा है, पैसों की भूखी एलिस है, पैसों से कुल छर्रे एलिस को उड़ाना। और अब ये दोनों एक दूसरे को दर्द पहुंचाकर इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि एक नया घर ले लेते हैं वहीं पर जहां पर इनकी रईस फ्रेंड रहती थी। और ये लोग अपने घर में पार्टी रखते हैं, और जब इंसान के पास पैसा आता तब सभी उसके दोस्त बनना चाहते, जैसे कि यहाँ पर पेटॉन एलिस से काफी बात करने लगती है जो कि एक समय पर उसको चारा भी नहीं डालती थी। और यहाँ पर एलिस की ओल्ड फ्रेंड आती है लुइस, और लुइस को ऐसा महसूस होता है कि एलिस अब चेंज हो चुकी है। और चुक को भी ऐसा ही महसूस होता है क्योंकि यार इन दोनों के पास ही पैसे नहीं होते कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। और जैसे ही जॉन दरवाजा खोलता है दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं मिस्टर लिंग। अब ये भी सुनने में अजीब लग रहा। तो मिस्टर लिंग कहते हैं कि देखो बेटा वो टीपॉट मेरे को दे दो, क्योंकि उस टीपॉट के नुकसान तुमको नहीं मालूम, तुमने ऐड दिया था टीवी में, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। मिस्टर लिंग कहता है कि दे दो, बाद में तुम लोग पछताओगे और मेरे पास मुंह उठाकर अपने आप आओगे। पर अब ये दोनों ही कहते हैं कि हमको वो टीपॉट नहीं बेचना, तुम यहाँ से पहली फुर्सत में चले जाओ, क्योंकि उनको मालूम था कि वो टीपॉट कुबेर का खजाना है जिससे पैसा हमेशा आना है। तो वो मिस्टर लिंग को क्यों दे, क्या पता मिस्टर लिंग खुद बड़ा बनना चाहता हो, मेरा मतलब पैसों से बड़ा बनना चाहता हो। और इन लोगों को काफी मजा आ रहा था अपनी लाइफ के अंदर कि तभी इन दोनों को एक दिन अर्नी देख लेता है और उसकी चल के ज्वालामुखी हो जाती है कि कहां ये दोनों साले भिखारी आज इतने अमीर कैसे बन गए। और वो इन दोनों से वो टीपॉट छिनाकर भाग जाता है और इस टीपॉट को अपनी गाड़ी से कुचल देता है। पर इस टीपॉट को कुछ भी नहीं होता, ये टीपॉट दोबारा से अपनी शेप में वापस आ जाता है और एलिस को काफी खुशी होती है। पर इन दोनों के मन में सवाल भी काफी थे और वो उन सवालों का जवाब लेने चले जाते हैं मिस्टर लिंग के पास। और यहाँ पर मिस्टर लिंग बैठे होते हैं तो मिस्टर लिंग इनसे कहते हैं कि यार ये टीपॉट मुझको दे दो, ये टीपॉट दरअसल एक श्राप टाइप का है जो कि 2000 सालों से इधर से उधर हो रहा, कभी इस कंट्री में कभी उस कंट्री में, कभी इस राजा के पास कभी उस राजा के पास, और मेरे पूर्वजों ने इस टीपॉट को थोड़ने के लिए काफी कोशिश करी और आज मुझको मौका मिला इस टीपॉट को हासिल करने का। मैं चाहता हूँ इस टीपॉट को डिस्ट्रॉय करना, पर ऐसा किया नहीं जा सकता, तो मैं इस टीपॉट को वहाँ पर रख दूंगा जहाँ पर कोई भी इसको ना ढूंढ पाए। पर एलिस के अंदर इतनी लालच हो चुकी थी कि उसको कुछ भी नहीं दिखता अच्छा और बुरा, वो कहते कि नहीं हम आपको ये नहीं देंगे। और मिस्टर लिंग भी जिद नहीं करता, वो कहता है ठीक है लिए रहो। एलिस नहीं चाहती थी कि उसका पैसा खत्म हो और वो
फिर से अपनी पुरानी लाइफ जिए, क्योंकि यहाँ पर वो अपने अमीर दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी। और उसकी करीब ये बेस्ट फ्रेंड लुइस, जो कि अपने घर का खर्चा चलाने के लिए एक नहीं दो तो जॉब कर रही। और अब घर आने के बाद एलिस जॉन के साथ घोड़े बेचकर सो जाती है कि तभी यहाँ पर वो दो कधे फिर से आ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि हमको वो टीपॉट दे दो। तब जॉन आता है कि रुक, मैं तुम दोनों को इतना मारूंगा कि तभी ये दोनों जॉन को इतना मारते हैं कि जॉन की हिम्मत निकल जाती है। पर एलिस हिम्मत नहीं हारती, वो कहती है कि ये टीपॉट मेरा है, मतलब मेरा है। वो इन दोनों को खूब चोट पहुंचाती है, पर वो टीपॉट अपने आप से दूर नहीं जाने देती। ये दोनों इस टीपॉट से काफी डर रहे थे, ये दोनों उस टीपॉट को नहीं छूना चाहते थे। और ये एलिस का इकट्ठा करा हुआ पैसा लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और एलिस अगले दिन जॉन पर काफी गुस्सा होती है कि तुम आकर कुछ नहीं कर पाए, वो लोग हमारे सामने से हमारा पैसा ले गए। और अब ये लोग डिसाइड करते हैं अपने आप को काफी ज्यादा पेन देने के लिए। और जॉन बेचारा अपनी बीवी के लिए पिटने के लिए भी तैयार था, और वो एक काफी खतरनाक आदमी से पंगा ले लेता है। और वो आदमी जॉन को मार मार के जॉन का जनाजा निकाल देता है, और जॉन का थोबड़ा फटे हुए बोरे की तरह हो जाता। पर एलिस को क्या है, उसको तो काफी पैसा मिल जाता। कि तभी मिस्टर लिंग कहते हैं कि देखो, तुम्हारे साथ काफी बुरा हुआ, मेरी बात को समझो, वो टीपॉट मुझको दे दो। कि तभी यहाँ पर जॉन का एक नेवर आता है, जो कि उसका रिच फ्रेंड था, जो कि उसके मजे लेकर चला जाता है। और जॉन जाता है अपने रियल बेस्ट फ्रेंड के पास, चुक के पास, और चुक उसके लिए काफी चिंता करता है। और एलिस बाहर बैठकर इंतजार करती है कि तभी यहाँ पर एक स्केटबोर्डर गिर जाता है। और एलिस को टीपॉट से आवाज आती है, और एलिस को समझ में आता है कि अब दूसरे को पेन मिलने से भी इन लोगों को पैसा मिलेगा, और इससे ज्यादा बड़ा वरदान क्या ही होगा। और अब ये लोग वहीं पर जाते जहाँ पर दूसरे इंसान को पेन मिलता, कभी MMA देख रहे, किसी मदर की डिलीवरी देख रहे, और ऐसे ये लोग काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। पर इनकी तिजोरी अभी भी फुल नहीं थी, और अब एलिस को पता नहीं कौन से पागलपन के दौरे पड़ते हैं, वो पैसों के पीछे इतनी पागल हो गई थी। वो कहती है कि अगर हम किसी को काफी बड़ा पेन देंगे तो हमको अमाउंट मिलेगा काफी बड़ा, यहाँ तक कि वो किसी को मारने के लिए भी तैयार हो जाती है। पर जॉन उसको समझाता है कि ये करना गलत है, और एलिस उसको काफी बुरी बुरी बातें बोलती है। कि तभी वो क्या देखती है कि पैसे फिर से टीपॉट के अंदर आ गए, यानी कि अब ये लोग अगर एक दूसरे को हर्ट करेंगे तब भी इनको पैसा मिलेगा, और ये दोनों एक दूसरे के बारे में काफी बुरी बुरी बातें बोलते हैं। और घर आकर जॉन को वो एक ऐसी बात बताती है जो कि जॉन कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। एलिस उसको बताती है कि वो अर्निंग के साथ एक बार सो चुकी है, उसकी मैरिज के 3 साल पहले, और ये लोग लड़ने के लिए अर्निंग के पास चले जाते हैं। पर अर्निंग यहाँ पर जॉन पर भारी पड़ जाता है, और अर्निंग देखता है कि इनके टीपॉट में पैसा कहाँ से आ गया, और उसको इन दोनों के ऊपर थोड़ा बहुत शक होता है। और एलिस यहाँ पर जॉन से कह रही थी कि हमको बस एक आदमी को मारना है, और हमारे पास $1 million आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम ये टीपॉट मिस्टर लिंग को दे देंगे। और जॉन को काफी गुस्सा आता है कि एलिस आखिर क्या बन चुकी है, और वो इन सभी सवालों को लेकर लिंग के पास जाता है और कहता है कि देखो, मैं वो टीपॉट तुमको देना चाहता हूँ, पर मेरी बीवी वो पागल हो चुकी है। तब लिंग कहता है कि वो टीपॉट एक श्राप की तरह है, तुमको कुछ भी करना पड़ेगा पर वो टीपॉट वापस देना होगा, तुम कुछ भी करो पर वो टीपॉट मुझको ला कर दो। और जब जॉन घर पर आता है तब एलिस को शीशे में कुछ भूत जैसा दिखता है, और एलिस की लुप होने लगती है। ये दरअसल उस टीपॉट का ही असर था कि वो आपको ऐसा बना देगा जो आप कभी नहीं बनना चाहते थे। और अब एलिस भी घबरा जाती है, और उसको समझ में आता है कि ये टीपॉट फरदान नहीं श्राप है, ये हमको वो बना रहा जो हम कभी भी नहीं थे। कि तभी रात में यहाँ पर अर्नी आकर उस टीपॉट को ले जाता है, और ये दोनों काफी खुश होते हैं कि चलो बला टल गई। पर तभी जॉन को रियलाइज होता है कि हमको इस टीपॉट को मिस्टर लिन को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टीपॉट आगे जाकर दूसरों की जिंदगी भी खराब कर देगा। और ये दोनों ही पहुंच जाते हैं अगले दिन अर्नी के पास, जहां पर अर्नी और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे को इतनी चोट पहुंचा चुके थे कि उनके पूरे मुंह पर चोट और खून के निशान थे। ये लोग समझाते हैं कि ये श्राप है, तुमको शुरू में मजा आएगा पर बाद में ये तुमको ऐसा बना देगा जैसे तुम कभी नहीं थे। पर यार जाहिर सी बात है, किसी को अगर ऐसी चीज मिलेगी तो वो इतनी आसानी से कैसे समझेगा, वो तो इससे खूब पैसा ही कमाएगा। कि तभी यहाँ पर वो दोनों आदमी आ जाते हैं जो कि शुरू से ही इस टीपॉट को पाना चाहते थे। ये दोनों यहाँ पर बताते हैं कि उस टीपॉट को हमारी दादी ने हिटलर से चुराया था, अब शुरू से ये दोनों हमको नमूने लग रहे थे। पर ये लोग काफी डेंजरस होते हैं, ये अर्नी और उसकी गर्लफ्रेंड पर गोली चला देते हैं, और अर्नी और उसकी गर्लफ्रेंड भी इन दोनों पर गोली चला देते हैं, और ये चारों ही लोग मर जाते हैं। और ये टीपॉट इतना सारा पैसा देता है कि पूछो मत। और जॉन और एलिस उस पैसे को इकट्ठा करके उस टीपॉट को मिस्टर लिंग को थमा देते हैं, और जितना भी पैसा इन दोनों को यहाँ से मिला था ये लोग उस पूरे पैसे को अपनी बेस्ट फ्रेंड लुइस और चुक को दे देते हैं, ताकि ये लोग भी अपनी जिंदगी में खुश रह सके। और ये दोनों काफी खुश होते हैं कि अब ये लोग भी अमीर बन चुके, और ये दोनों ही अब खुश होते हैं क्योंकि जॉन अब जल्द ही पापा बनने वाला है। और दूसरी तरफ लिंग जहाज में होता है, यार इसका कैसा नाम है। तो मिस्टर लिंग यहाँ से जा रहे होते हैं, पर ये लड़की हमको क्यों घूर के देख रही, शायद ये कहना चाहते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया।
तो मिस्टर लिंग इस टीपॉट को ठिकाने लगा देते हैं। और जहाँ पर मिस्टर लिंग इस टीपॉट को ठिकाने लगाते हैं उस जगह का लोकेशन मैं आज तक ढूंढ रहा, और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो मुझे मालूम है आप में से कई लोग हो जो कि इस टीपॉट का अच्छे से इस्तेमाल करते। मैं तो रोज UFC की फाइट लगाकर काफी पैसा छापता, पर आप इस टीपॉट के जरिए कैसे पैसे कमाते कमेंट में जरूर बताना। मूवी की और जानकारी के लिए ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन करने में आपका ही बनेगा काम। और द ब्रास टीपॉट मूवी का है नाम।